अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट फेव जेड और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसने पूरी पाकिस्तान कौम को यूनाइट करके रखा हुआ है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नतीजे अच्छे नहीं रहते, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट का दौर है तो बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट से। और हमारा एक ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में जब कदम रखा तो पूरी दुनिया में भौचाल बर्पा कर दिया। पहले 10 मैचेस में 59 आउट करके उन्होंने बता दिया कि उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, लेकिन फिर अगले 15 मैचेस में उनके 31 विकटें हुई, लेकिन किसी ने उनकी केयर ना की। 25 टेस्ट मैचेस में 90 विकटें, एक ज़माने में उनको कहा जा रहा था कि वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और अब मंजर-ए-आम से उन्हें गायब कर दिया गया। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, मोहम्मद अब्बास, फास्ट बॉलर किसी तारों के मोहताज नहीं, हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, आपको वेलकम करूंगा शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अब्बास, जिस तरीके से मैंने अभी बताया, आपने तो सेंसेशन फैला दी थी। मतलब आपकी एवरेज देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का दूसरा बेहतरीन बॉलर, पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक की एवरेज करें तो बेहतरीन एक आर्मी वाला बॉलर, इंटरनेशनल बात करें फास्टेस्ट विकटें, फिर क्या हुआ कि अब अब्बास कहीं नज़र ही नहीं आ रहा? हाँ शेब भाई, मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं मैं वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बाकी सिलेक्शन कमेटी को पता हो कि मुझे क्यों नहीं रखा उन्होंने, तो ये सवाल आप उनसे भी करेंगे तो मेरा आई थिंक बेहतर जवाब आप वो दे सकते हैं। लेकिन अभी लास्ट कंटिन्यूसली मेरी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में या बाहर हैं, और उनसे सबसे अच्छी है। चाहे मैं काउंटी क्रिकेट की जब मुझे मिलती है तो मैं वहाँ पे जाके कोशिश करता हूँ कि परफॉर्मेंस दूँ, मुझे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट मिलती है तो मैं उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अब आपने सेलेक्टर्स की बात की कि सिलेक्शन कमेटी बताएं, तो पुरानी सिलेक्शन कमेटियाँ तो गुजर गई, जो नए चीफ सेलेक्टर हैं वो खुद फास्ट बॉलर हैं वहाब रियाज, उनसे जब सवाल पूछा गया कि अब्बास परफॉर्मेंसेस के बावजूद क्यों नहीं, तो उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स आपको सूट नहीं करते, आप बासलाहियत हैं बट ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को देखते हुए आपको नहीं लिया गया। तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया में इतने ही हैं कि कारगर साबित नहीं होते हैं, या क्या वजह? जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो स्ट्रेट वे मुझे पहला टेस्ट मैच मुझे बाहर बिठा दिया गया, जो कि मैं भी शौक था और दुनिया भी शौक हुई आई थिंक। लेकिन दूसरा मैच हम खेले, लेकिन पहला भी हारे हुए थे तो उसमें इतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन एक मैच से पता नहीं चलता, मैं जैसे कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ हूँ और वहाब भाई और हफीज़ भाई के साथ भी खेला हुआ हूँ दुबई में, वेस्ट इंडीज़ में, तो हमने मैंने रिवर्स पे भी आउट किए हुए हैं, तो इनफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है कि जो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी उसको यूटिलाइज़ कर सकता था। अच्छा बात, एक बात ये की जाती है कि आपका पेस जो है वो नहीं है, इसलिए आपको जो है ना नज़रअंदाज किया जा रहा है या आपको पिक नहीं किया जा रहा, बट मैग्रा का भी कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं था। दुनिया के बहुत सारे सीमर्स जो हैं वो पेसर तो होते ही नहीं है, सीमर की स्पीड तो ऐसी होती है, तो क्या वाकई आपकी स्पीड इतनी गई गुजरी है कि आपको टेस्ट क्रिकेट में कंसिडर ही नहीं किया जा रहा? देखें, कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ शायद अभी मेरे हाथ में नहीं है, और एज ए ह्यूमन बींग ज़ाहिर सी बात है एक माइंड में आती हैं कुछ दिन चीज़ें, लेकिन मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ और अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ, और जो भी अगला फॉर्मेट आता है मेरे पास, अगर 4-day क्रिकेट है, 1-day या T20, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ और अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बिल्कुल एज ए ह्यूमन बींग आपके माइंड में चीज़ें आती हैं कि मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस जो वो बार बार कर रहा है, लेकिन उसी फॉर्मेट पे काउंटी क्रिकेट में और BPL में और कैरेबियन लीग की परफॉर्मेंस में अगर दूसरे सेलेक्ट हो सकते हैं तो वाई नॉट मोहम्मद अब्बास। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि इस पे कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अगर मोहम्मद अब्बास आपको नहीं ज़रूरत उसकी तो स्ट्रेट वे मैं हूँ, चाहे कोई और है तो उसके साथ बिल्कुल बैठ के बात की जाए कि हमें आप नहीं चाहिए, तो अपना ज़ाहिर सी बात है मेरी भी फैमिली है, क्रिकेट ब्रेड एंड बटर है, तो उस पे काम किया जाए और मैं जो है ना अपना फ्यूचर का मैं अपना प्लान कर सकूं। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा कि आपने कभी किसी चीफ सेलेक्टर से बात की कि भाई ये हो क्या रहा है, एक ज़माना था कि मेरे बगैर टीम नहीं बनती थी, मैं मैन ऑफ दी सीरीज़, मैन ऑफ दी मैच, और अब कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा? अच्छा अभी जब मैनेजमेंट चेंज हुई, जब मैं कंटिन्यूसली पार्ट था, जब मैनेजमेंट चेंज हुई, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, सारा कुछ तो का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज हो गई। मुझे 2 टेलीफोन आए थे जब मोहम्मद वसीम भाई चीफ सेलेक्टर बने, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया है कि आप टीम का पार्ट नहीं हो लेकिन हमारी नज़रें आपके ऊपर हैं। लेकिन मुझे कोई भी शेड्यूल, कोई भी प्लान्स नहीं दिया गया, कोई भी बताया नहीं गया कि आपकी स्पीड की वजह से या आपकी फॉर्म की वजह से हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं बोला गया कि आपके लिए हमारे ये प्लान्स हैं, आप उस पर काम करें
और उसके बाद दूसरी दफ़ा फ़ोन आया और मैं पहले जो मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो सी था, मैंने परफॉर्मेंस दी, मैं बी में आया, लेकिन बी से स्ट्रेट अवे मैं बाहर चला गया। ही इवन के आई थिंक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो एक कैटेगरी अप होगी, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो एक कैटेगरी आप डाउन जाएंगे। लेकिन बी से मैं ना मैं सी में गया, ना मैं डी में गया, ना मैं ई में गया, स्ट्रेट अवे मुझे बाहर कर दिया गया। तो एक दफ़ा टीम से बाहर होने की कॉल आई, एक दफ़ा मुझे उनकी कॉल आई कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो। अब्बास, आप मिसबा की कप्तानी में शायद एक सीरीज खेले, सरफराज की कप्तानी में ज़रा लंबा खेले, अदर अली की कप्तानी में भी बेहतर खेले, बाबर आजम की कप्तानी में भी गालिबन एक या दो सीरीज आपने खेली, तो कौन सा कप्तान आपको सही इस्तेमाल करता रहा, कौन सा कप्तान आपके लिए फाइट करता रहा कि नहीं जी मुझे अब्बास चाहिए? देखें, बैक डोर पे मुझे तो नहीं पता कि किसी ने फाइट की नहीं की, लेकिन जब मिसबा भाई के साथ मैं सिर्फ एक सीरीज़ खेला और मेरी डेब्यू सीरीज थी, उसमें मैंने आई थिंक एज ए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी कि तीन मैचों में मैंने 15 आउट किए और वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में जीत के आए। उसके बाद सैफी भाई के साथ था और सैफी भाई के साथ मुझे बड़ा मज़ा आया खेलने का, ज़्यादा लंबा खेला और मैं कंटिन्यू टीम का हिस्सा था। तो जब कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, कप्तान चेंज हुए, तो उसके बाद अज़र भाई आए, उनकी कप्तानी में आई थिंक दो से तीन सीरीज़ खेला और उसके बाद आई थिंक बाबर के साथ एक सीरीज़ खेला हूँ और उसके बाद मैं टीम का पार्ट नहीं। तो आपकी बाबर से, क्योंकि लास्ट सीरीज़ आपने बाबर के अंडर खेली, तो बाबर से आपने बात नहीं की कि बाबर मैं क्यों नहीं हूँ कहीं पे भी? मेरी कोई ऐसा बात नहीं हुई। एक मुझे एनसीए में मुलाकात हुई थी बाबर की, तो वो कहते हैं कि आपने परेशानी होने, आपने अपनी मेहनत जारी रखें, सिर्फ यही बात हुई थी। उसके बाद एक मुझे कॉल आई रमीज भाई की, उस समय एनसीए में था, वो कहते हैं जी क्या हुआ जी आपकी पेस नीचे आ गई, तो मैंने उनको भी यही बोला था। और बाबर की कॉल आई तो वो कहते हैं जी हमने सुना जी पेस नीचे आई, तो मैंने कहा मैं डेली ना एनसीए में आ रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉलिंग कर रहा हूँ, तो आप आके देख सकते हैं कि मैं जिन बैटर्स के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा हूँ क्या उनको लग रहा है कि मेरी पेस नीचे आ गई है या मैं पहले भी इतनी पेस से कर रहा हूँ। तो यही हमारी कम्युनिकेशन हुई और उसके बाद ना आके उन्होंने देखा और ना कोई और कम्युनिकेशन हुई। तो आपको ये गम है कि बाबर आजम जो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए फ़ाइट करते रहे, वो आपके लिए फ़ाइट नहीं की उन्होंने? बैक पे मुझे पता नहीं कि उसने की या नहीं की, ये तो अल्लाह जानता है, या वही आपको बता सकते हैं कि उन्होंने की या नहीं की, मुझे इसका आइडिया नहीं। 10 मैचेस में 59 आउट वो, या उसके बाद जो 15 मैचेस में 31 आउट, तो इन सब में किस स्पीड से आपने आउट किया था और अब आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा एक एक बॉल की, वो तब एवरेज स्पीड क्या थी और अब आपकी एवरेज स्पीड क्या है? आई थिंक उस टाइम भी यही स्पीड थी 128 से 130 मेरी एवरेज थी 128 के अराउंड में, लेकिन मैं 135 तक भी बॉलिंग करता था, 129 26 पे भी बॉलिंग करता था। और जब 10 मैचों के बाद आई थिंक मुझे इंजरी हो गई थी शोल्डर की, जब मैंने डाइव किया, तो उसके बाद मैं इंजरी में भी कुछ मैचेस खेला, मुझे बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से